हेलो एवरीवन, डॉली किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने बिस्किट केक बनाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा और बहुत ही इजी है। इसके लिए आपको ना प्रेशर कुकर की ज़रूरत है और ना ही माइक्रो की ज़रूरत है। इसे हम फ्रिज के अंदर बनाकर दिखाएंगे, तो बिल्कुल न्यू रेसिपी है, आपको बहुत पसंद आएगी। इसे बनाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है बिस्किट केक बिना ओवन और बिना प्रेशर कुकर के। बिस्किट केक बनाने के लिए हमने लिए हैं ये बिस्किट, करीब 15 से 20 बिस्किट हैं। एक कटोरी से थोड़ी सी कम चीनी है, आधा से थोड़ी कम ये नट्स हैं, ड्राई फ्रूट जिसके अंदर मैंने बादाम, काजू और अखरोट लिया है, और ये 2 चम्मच है कोकोआ पाउडर, थोड़ा सा ये बटर है, और ये चॉकलेट को मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है, और ये है अमूल फ्रेश क्रीम। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स हैं। बिस्किट आपके घर में कोई भी पड़ा हो, आप कोई भी बिस्किट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके हम छोटे छोटे पीसेस कर देंगे इस तरह से। अगर आपके पास बिस्किट बचे हुए पड़े होते हैं वो भी आप यूज कर सकते हैं, कोई भी बिस्किट आप ले सकते हैं इसके अंदर। बहुत ही अच्छा लगेगा ये केक। इसके लिए ना आपको प्रेशर कुकर की ज़रूरत है और ना ही माइक्रो, इसे हम फ्रिज में बनाएंगे। आप देख रहे हैं कि बिस्किट को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया है रफली। अब मैं ये नट्स को थोड़ा सा भून लेती हूँ। एक पैन को थोड़ा सा गर्म करके हम ये नट्स जो हैं इसी तरह से भून लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, कड़वे ना हो जाए, थोड़ा सा हल्का सा इसको भूनना ताकि इसका कच्चापन थोड़ा सा दूर हो जाए, क्योंकि भुने हुए नट्स जो हैं बहुत ही टेस्टी लगते हैं। नट्स हमारे भुने जा चुके हैं, फ्लेम हमने ऑफ कर दी है। अब हमने नट्स को बिस्किट्स के अंदर मिला दिया है, मिक्स कर दिया हमने इस तरह से। अब एक पैन के अंदर हम डालेंगे चीनी और कोकोआ पाउडर, इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप देख रहे हैं कि हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, थोड़ा सा पानी और डालेंगे। अब इसे हम 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर रखेंगे और इसके अंदर हम डाल देंगे बटर। इसे हमें 4 मिनट हो चुके हैं, कंसिस्टेंसी आप देख रहे हो कि इसी तरह होनी चाहिए पतली, क्योंकि इसको ठंडा जब करेंगे तो ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं और इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ये सिर्फ जो है वो ठंडा हो चुका है, इसे हम बिस्किट के अंदर मिक्स कर देंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक टिन को हमने ग्रीस कर लिया है और इसके अंदर हम सारा मिक्सचर जो है डाल देंगे। इस तरह से हम इसे दबा देंगे, इसे हम प्रेस करते हुए इक्वल कर देंगे। इसे हम आधा घंटे के लिए फ्रीजर के अंदर रख देते हैं। अब हम थोड़ी सी क्रीम को, जो हमने अमूल फ्रेश क्रीम ली है, उसे हम गर्म कर लेंगे। क्रीम हमने 100 ग्राम क्रीम ली है और इस क्रीम को हमने अच्छे से गर्म कर लेना है, और इसके अंदर हम डाल देंगे चॉकलेट के पीसेस जो हमने काट के रखे हैं, उसे हम क्रीम में डालकर मेल्ट कर लेते हैं। फ्लेम हमने ऑफ कर दी है और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। 30 मिनट हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम ये जो हमने क्रीम और चॉकलेट मेल्ट की है उसे पूरी तरह से डालकर इस तरह से फैला देंगे। ये हमने जो चॉकलेट है वो इसके ऊपर स्प्रेड कर दी अच्छे से, और इसे हम इस तरह से टैप करते हुए इक्वल कर लेंगे। अब इसे हम फॉइल पेपर से इस तरह कवर करते हुए पूरी तरह से फ्रीजर के अंदर 4 से 5 घंटे के लिए लगा देंगे। ये हमारा केक बनकर तैयार है। 4 घंटे के बाद हमने इसे फ्रीजर से निकाल लिया है। थोड़ा थोड़ा हम इसको चाकू से किनारे को अलग करते हैं। दूसरा तरीका ये है कि इस बर्तन को आप पानी के अंदर रख दें, जैसे हम बर्फ निकालते हैं पानी के अंदर रख के, तो उसी तरह केक को भी हम पानी के अंदर रख के निकाल सकते हैं। इसे हम इस तरह से प्लेट में रखते हुए हल्का हल्का टैप करेंगे। आप देख रहे हैं ये हमारा केक बनकर तैयार है। अब हम इसे दूसरी प्लेट में इस तरह से करते हुए सीधा कर लेंगे। मैं इसको आपको काट कर दिखाती हूँ।
बहुत ही अच्छा और बहुत ही स्वादिष्ट केक हमारा बनकर तैयार हुआ है। हम इसे ऊपर से थोड़ा थोड़ा गार्निश कर सकते हैं, इस तरह से हम इसे हल्का हल्का गार्निश कर सकते हैं। मैंने ये अखरोट की गिरी ली है और थोड़ा सा काजू लेंगे। सर्व करते टाइम आप किसी भी तरह इसको गार्निश कर सकते हैं। तो इसे मैं निकालती हूँ इस तरह से। आप देख रहे हैं कि ये हमारा केक, बिस्किट केक जो है बनकर तैयार है। उम्मीद है आपको ये केक बहुत अच्छा लगेगा और बच्चों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। आप इसे इसी वे के साथ घर में ट्राई ज़रूर करें और मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।